वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 से 11 जून तक इंग्लैंड के ओवल में खेला जाएगा। चैंपियनशिप के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने हैं। 25 अप्रैल को बीसीसीआई ने इसके लिए 15 सदस्य टीम की घोषणा की है। चलिए समझते हैं कौन हो सकते हैं भारत के प्लेइंग 11। सबसे पहले ओपनिंग में रोहित और गिल की जोड़ी नजर आ सकती है। रोहित ने कुल 49 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3779 रन बनाए हैं। इसमें 9 शतक और 14 अर्धशतक जड़े हैं। वहीं शुभमन गिल ने 15 मैचों में 890 रन बनाए हैं, इसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं मिडिल ऑर्डर की बात करें तो इसमें पुजारा, कोहली और रहाणे नजर आ सकते हैं। पुजारा ने 102 मैच खेले हैं, जिसमें 7154 रन बनाए हैं। वही भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली, इन्होंने टेस्ट में 108 मैच खेले हैं और 8414 रन बनाए हैं, जिसमें 28 शतक और 28 अर्धशतक शामिल हैं। भारतीय टीम में वापसी कर रहे अजिंक्य रहाणे भी बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। उन्होंने 82 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 4931 रन और 12 शतक और 25 अर्धशतक जड़े हैं। केएल राहुल भारत के लिए विकेट कीपिंग करते नजर आ सकते हैं। उन्होंने कुल 47 मैचों में 2642 रन बनाए हैं। ऑलराउंडर्स पर नजर डालें तो इसमें रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर का नाम सबसे आगे है। जडेजा ने 64 मैचों में 2658 रन और 264 विकेट हासिल किए हैं। वहीं शार्दुल ठाकुर ने 8 मैचों में 27 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा भारत के लिए गेंदबाजी में मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और उमेश यादव का नाम सबसे आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।